जो पर्ची निकली वो बाबा ने पहले से लिख के रखा, और जब आकाश को इस पर्ची को मुझे भी लगता था कि शायद पहले से होता था, मगर आज वो सब बातें झूठी है। मुझे ये खुशी की बात है और ये आज नहीं या कल जरूर हिंदू राष्ट्र बन गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजधानी पटना में पर्चा खोलना शुरू कर दिया। हमारे साथ आकाश है, आकाश की अर्जी स्वीकार की गई और किस तरीके से आकाश आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे वो गुरु मंत्र धीरेन्द्र शास्त्री ने दे दिया। आकाश, पर्ची आपने भरा, अर्जी आपकी स्वीकार हुई, क्या बाबा ने सब सही बताया? बिल्कुल सही बताया। जैसा कि मैं सुनता था कि पर्ची में पहले से वो बात लिख देते हैं, पर मुझे विश्वास नहीं होता था। आज जब मेरा ही अर्जी लगी यहाँ पर, जब पर्ची बाबा ने पहले ही लिख दिए थे और जो बात मेरे दिल में थे वो बात वो पर्ची में लिख दी, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ये सब कैसे हो गया। बिजनेस आप करना चाहते थे, बाबा ने कहा उसी में आगे। हाँ, मैं बिजनेस अभी भी कर रहा हूँ पर उसमें सफलता नहीं पाया, और मैं बाबा से ये भी बोला मैं आगे तक बढ़ना चाहता हूँ उसी क्षेत्र में। बाबा ने ये भी बोला कि जरूर आगे तक बढ़ोगे, कुछ दिन के बाद सब सही हो जाएगा। कहाँ से आप आया? मैं पटना सिटी से आया हूँ। जी हाँ, पहली बार बागेश्वर बाबा के पास पहुँचे? हाँ, पहली बार बागेश्वर बाबा से ये यहाँ पहुँचा हूँ, और बाबा ने हमको हर महीने बागेश्वर धाम आने का भी वहाँ पे अर्जी लगाने को कहा गया है। सबसे बड़ी बात, टीवी पे हम लोग देखते थे बागेश्वर बाबा को, कई सवाल खड़े होते हैं कि पहले से जानकारी होता है, ये बिल्कुल ही गलत बात है मेरे हिसाब से। मैं भी ये बात नहीं मानता था, मुझे भी लगता था कि शायद पहले से होता था, मगर आज वो सब बातें झूठी है। बाबा सनातनी, बाबा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या लगता है यहाँ से नई शुरुआत होगी जीवन में? ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई तो हिंदू राष्ट्र बनने का ये मुद्दा जो उठाया है, और मुझे ये खुशी की बात है, और ये आज नहीं या कल जरूर हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। ये बाबा ने कई परहेज रखने को कहा, प्याज लहसुन छोड़ने को, क्या हो पाएगा? क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, ये तो बालाजी का आदेश है, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि बालाजी का आदेश मुझे मिला है, मैं ज़रूर बंद कर दूंगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, कितने दिन से आप यहाँ थे और क्या लग रहा था कि पर्ची खुलेगी? मैं शुरू दिन भी यहाँ पे आया था, जिस दिन कलश निकला था उस दिन भी आया था, और आज भी मैं यहाँ पे आया, लोग न्यूज़ में यूट्यूब पे पेपर में भी यहाँ दिखाया कि आज पर्ची नहीं निकलेगी, सारा कैंसिल है। दोस्त लोग भी मना किए नहीं जाना बेकार में, तुम पागल हो। मैंने भी बोल दिया हाँ पागल हूँ, बिहार के लोग पागल है, और मैं सारे दोस्त को बात को मैंने इग्नोर करते हुए यहाँ पहुँच गया। हम चाहेंगे आप पर्ची दिखाएं आकाश की, आपकी पर्ची में आखिर बाबा ने क्या लिखा पहले से? देखिए, जो पर्ची निकली वो बाबा ने पहले से लिख के रखा, और जब आकाश को इस पर्ची को दिखाया गया तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत चक्के रह गए, और आस्था जो बागेश्वर बाबा में थी वो बढ़ी है। आकाश, क्या लगता है नई उड़ान की शुरुआत होगी? हाँ बिल्कुल, नई उड़ान की शुरुआत होगी। देखिए, पर्ची नहीं खोलने की बात कल खबरों में चली, लेकिन आज जब बागेश्वर सरकार यहाँ पहुँचे और अर्जी की पर्ची जब शुरू की गई, तो दूसरा जो पर्ची खुला वो आकाश का था, और आकाश जिस परेशानी से जूझ रहे थे, जो समस्याएं उनमें हो रही थी, उन तमाम चीज़ों की जानकारी बाबा ने पहले से पर्ची में लिख दिया, और क्या विकल्प है इसका ये भी बाबा ने बताया। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।